नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल पे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो वो इस चैनल का और इस वीडियो का डिस्क्लेमर है। जो भी इस चैनल पे कंटेंट रहेगा दोस्तों, वो एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, और जो भी इस वीडियो में कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों, वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। दोस्तों, मेरी आप सभी व्यूअर्स से ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे व्यूज़ के ऊपर आप अपने ट्रेड्स को इनिशिएट मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करता हूँ दोस्तों, वो मेरा एक पर्सनल इंटरप्रिटेशन है। दोस्तों, शुरू करते हैं निफ्टी एनालिसिस। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, निफ्टी क्लोजिंग प्राइस जो है दोस्तों, वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। एवरेज टर्नओवर जो है वो नीचे जा रहा है दोस्तों। तो जो अप मूव आए हैं दोस्तों, वो टर्नओवर सपोर्टेड नहीं है। दोस्तों, अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस भी देखते हैं दोस्तों, आज का जो अप मूव आया है दोस्तों, वो वॉल्यूम ड्रिवन नहीं था। अगर हम FII DII ट्रेडिंग एक्टिविटी की बात करें दोस्तों, FII जो है दोस्तों, वो नेट सेलर से, DII जो है दोस्तों, नेट बायर से। बट आज के दिन दोस्तों, FII ने नेग्लिजिबल सेलिंग की है दोस्तों। ऑलमोस्ट वो 580 क्रोर्स के आसपास दोस्तों उन्होंने सेलिंग की है। अगर हम ओवरऑल मनी फ्लो एनालिसिस करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम देख पाते हैं FII जो है दोस्तों, वो नेट सेलर से, DII प्रॉपर्टीज और क्लाइंट जो है दोस्तों, वो नेट बायर से। और दिसंबर का मनी फ्लो है दोस्तों, वो भी पॉजिटिव है दोस्तों। अगर हम पार्टिसिपेंट वाइज नेट पोजिशन एनालिसिस करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम देख पाते हैं इंडेक्स ऑप्शन में FII, DII और क्लाइंट जो है दोस्तों, वो बेरिश है। प्रॉप टेस्ट जो है दोस्तों, वो बुलिश है। अगर फ्यूचर इंडेक्स की बात करें दोस्तों, FII, DII जो है दोस्तों, वो बुलिश है। प्रॉप टेस्ट और क्लाइंट जो है दोस्तों, वो बेरिश है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम देख पाते हैं अभी भी ATM साइड के पुट साइड दोस्तों, अच्छी खासी पुट राइटिंग हो चुकी है दोस्तों, और कॉल राइटर्स ने यहाँ से एग्जिट लिया है दोस्तों, जो कि एक बुलिश साइन होता है। और इन द मनी कॉल साइड पर भी दोस्तों, कॉल राइटर्स ने एग्जिट किया है। अब हम यहाँ पे सपोर्ट्स एंड रेसिस्टेंस की बात करें दोस्तों, 17,400 का लेवल जो है दोस्तों, वो अच्छे खासे सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। और ये 300 से 400 का जो रेंज होगा दोस्तों, वो अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें दोस्तों, वो 17,500 के आसपास दोस्तों, जो आपको जो इमीडिएट रेसिस्टेंस मिलेगा दोस्तों, और फिर 17,600 के आसपास दोस्तों, आपको इमीडिएट रेसिस्टेंस मिलेगा यहाँ पे। आई होप दोस्तों, आपको इजीली समझ आ रहा होगा हमारे लेवल्स कल के लिए क्या होंगे। दोस्तों, अगर हम आज के इंडिकेटर के ट्रेड के परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, आज तो एक्चुअली कोई ट्रेड नहीं बन रहा था, क्योंकि ओपनिंग के साथ ही दोस्तों, मार्केट जो है वो T1 के आसपास ओपन हुई, और इसके बाद कोई रिट्रेसमेंट भी नहीं हुआ दोस्तों बुल जोन लेवल के आसपास। तो हम यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे दोस्तों। अगर आपको इस इंडिकेटर का एक्सेस चाहिए दोस्तों, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है दोस्तों, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए दोस्तों। वहाँ पे आपको अपने कुछ डिटेल्स भरने पड़ेंगे दोस्तों, साथ ही आपको वहाँ पे UPI पेमेंट का ऑप्शन है दोस्तों, जहाँ पे आप UPI की तरह स्कैन करके आप मुझे डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको विदिन 12 to 24 के बीच दोस्तों, आपको इस इंडिकेटर का एक्सेस मिल जाएगा। दोस्तों, अगर हम कल की लेवल्स की बात करें दोस्तों, 17,500 से 520 का लेवल जो है दोस्तों, वो अच्छे खासे रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर इसके ऊपर मार्केट जो है दोस्तों, सस्टेन कर जाती है, तो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा दोस्तों, फिर 17,570 फॉलोड बाई 17,650। अगर मार्केट को नीचे जाना हुआ है दोस्तों, तो उसको 17,420 के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा दोस्तों, फॉर ए टारगेट ऑफ 17,370 फॉलोड बाई 17,290। दोस्तों, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, अगर बैंक निफ्टी के ऊपर जाना है दोस्तों, उसको 17,420 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, सॉरी 37,420 के ऊपर उसको सस्टेन करना पड़ेगा दोस्तों, फॉर ए टारगेट ऑफ 37,550 फॉलोड बाई 37,770। अगर नीचे की बात, नीचे जाना हुआ दोस्तों उसको, तो उसको बेयर जोन के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा, जो कि लेवल निकल के आ रहा है 37,150 फॉलो, जो उसका फिर पहला टारगेट निकल के आएगा दोस्तों 37,020 फॉलोड बाई 36,800।
दोस्तों अगर हम यहाँ पे हमारे अर्ली साइंस वाले ग्राफ को भी देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आज भी मार्केट में जो स्ट्रेंथ का स्कोर जो है दोस्तों वो इंक्रीज हुआ है। दोस्तों अगर हम मार्केट को यहाँ से और ऊपर जाना होगा दोस्तों, तो ये जो वीकनेस का जो स्कोर है दोस्तों, इसको यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा दोस्तों, और यहाँ पे हमें क्रॉसओवर की ज़रूरत है दोस्तों, तब जाके मार्केट में आप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों हमने रिसेंटली हमारा टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया है दोस्तों, जहाँ पे मैं लाइव मार्केट अपडेट्स भी शेयर कर देता हूँ। अगर आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगती है दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।